और जामिए तो देखी तेरा जाम भी इलाज शुरू हो जाएगा। अरे रुकी हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी मित्रों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि इसमें आपने प्रॉब्लम देख रखा है कि इसमें एक वर्टिकल लाइन आ रही है। इस लाइन का जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये वर्टिकल ऐसी के इर्द गिर्द ये प्रॉब्लम होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको हम ठीक करते हैं और दिखाते हैं आपको। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें इसका जो है वोल्टेज मापना पड़ेगा कि इसका जो यहाँ पे 24 वोल्ट 24.5 वोल्ट आता है वो कंप्लीट है या नहीं। मल्टीमीटर को मैंने 50 वोल्ट डीसी 50 वोल्ट पे लगा दिया है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल एसी पे दोनों पिन पे जो है सप्लाई पहुंच रही है, यानी कि सप्लाई हमारा ओके है, देख सकते हैं आप, सप्लाई का इशू नहीं है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्टिकल एसी खराब है या फिर और कोई फंडा है। तो जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ, वर्टिकल एसी के ऊपर में जो है सोल्डिंग वगैरह किया हुआ है पहले, लेकिन वो क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन करूँगा, यानी कि जो ड्राई सोल्डिंग है उसको कंप्लीट करूँगा मैं। ये आप देख सकते हैं एक दूसरे पिन को टच कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले फटाफट इसका जो है सोल्डिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर एक बार चेक करते हैं जो मेरा प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ या नहीं। दोस्तों, इस हालत में जो है वर्टिकल एसी भी ख़राब होता है, लेकिन जो अभी हमें ये इसमें ड्राई सोल्डिंग दिख रहा है, पहले हमें उसको ही कंप्लीट करना है। कभी कभी कुछ कारीगर क्या करते हैं, कोई भी एसी लगा दिए और एसी लगाने के बाद में उसको साफ़ नहीं किए, जबकि ये थिनर से साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सोल्डिंग पेस्ट वगैरह जो है अगर लगा हुआ रहेगा तो एक दूसरे पिन से अटैच हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से मैंने इसको क्लीन कर दिया है, अब इसमें कोई टचिंग नहीं है। और एक बार मैं टीवी ऑन करके देखता हूँ, मेरा प्रॉब्लम जो है वहीं के वहीं है। तो अब जो दूसरा स्टेप है दोस्तों, हमें इस एसी को ये देखना पड़ेगा कि ये ठीक है कि ख़राब है। अगर इसके ऊपर हम हाथ फेर रहे हैं, उंगलियाँ फेर रहे हैं और वाइब्रेशन हो, तो इसका मतलब एसी हमारा ठीक है, लेकिन वाइब्रेटिंग नहीं हो रही है स्क्रीन पे। तो अब हम इसको चेंज कर रहे हैं, चलिए फटाफट चेंज करते हैं और दिखाते हैं कि जो मेरा प्रॉब्लम है वो ठीक हुआ या फिर वहीं के वहीं है, या फिर और कोई स्पेयर पार्ट्स ख़राब है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जो एसी लगा हुआ है ये 78040 नंबर का एसी है। तो मैं देखता हूँ, मेरे पास अगर नया होगा तो नया, नहीं तो मैं किसी पुराने किट से निकाल करके, ये आप देख सकते हैं 78040 पुराने किट से निकाल करके, मैं नया नहीं था मेरे पास में दोस्तों, तो मैं पुराना किट से जो है निकाल करके एक 78040 का सेम नंबर का मैं एसी लगाता हूँ और देखता हूँ कि जो वर्टिकल लाइन आ रही है वो मेरा ठीक हुआ कि नहीं, वीडियो आया कि नहीं सही ढंग से। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम का हल करने के लिए जो है सबसे पहले हमें सेक्शन पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन का ये प्रॉब्लम है। तो हमारे चैनल पे आप देखते होंगे कि ऑन प्रॉब्लम एंड क्विक सोल्यूशन होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेक्शन पे जाते हैं, घुमा फिरा के ज़्यादा बातें नहीं करते। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और मेरे जो नए मेहमान हैं जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं,
उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो आपके पास में यूँ ही पहुँचता रहे। तो चलिए, मैंने वर्टिकल ऐसी लगा दिया है 78040, अब चेक करते हैं। नकुल, तू किसी को लो हुने माफी मांग।